क्लास में चैट बस मैथ्स का डाउट पूछने के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और फिर से मैं वही कर रहा हूँ, चैट में अनसरी कमेंट नहीं, मैं दोनों को रिमूव कर दूंगा। वंश एंड समीर दोनों रिमूव कर दिए जाओगे क्लास से, तो ध्यान से पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए, तो सैट एग्जाम की तैयारी, सैट एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है आपका, अभी डेट नहीं आया है लेकिन बहुत ही जल्द होगा, कुछ ही वीक में, ठीक है, या कुछ दिनों में। तो सबसे पहले आप सभी ने बोला चैप्टर थ्री रिविजन करना है, तो चैप्टर थ्री में क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मैंने बताया था, इसमें चैप्टर में बहुत ज्यादा चीज नहीं है, दो तीन टॉपिक है जिसको आप बढ़िया से पढ़ लोगे आपके एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो युग्म मतलब दो पेयर, ठीक है, दो समीकरण यहाँ पर लिख रहे हैं। तो अगर कभी मैं ऐसा लिखता हूं, मैंने सिंपली एक इक्वेशन लिखा दो चर वाले रैखिक समीकरण का, स्टैंडर्ड फॉर्म मुझे कोई बताओगे एक ही समीकरण का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। तो आपने जो बोला, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, आपने बोला सर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब मेरे पास युग्म की बात की जा रही है, तो ऐसे ऐसे दो समीकरण होना चाहिए, तो एक और समीकरण मैंने लिख दिया, सेम लिख दिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। अब मैंने क्या किया, पहले वाले समीकरण में जहां भी ए बी सी है कॉन्स्टेंट, उसके पास मैंने वन 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 लगा दिया, ए वन बी वन सी वन कर दिया, और दूसरे वाले में ए टू बी टू सी टू कर दिया, तो ये युग्म बन गया। अब सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, इसमें हल की बात की जाती है, सॉल्यूशन सबसे बेसिक, इसमें आप सॉल्यूशन पढ़ोगे, या फिर आप ये देखेगा जब भी इसका हम ग्राफ पेपर बनाएंगे, कोई भी रैखिक समीकरण का जब ग्राफ बनाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, एक सरल रेखा बनेगा, ये सारी चीज आपको याद होगी, ठीक है, नोट डाउन करते रहिएगा, सारी चीज इंपॉर्टेंट है। एक सरल रेखा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, दो लाइन है तो दो सरल रेखा बनेगा, दो स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब दो स्ट्रेट लाइन जब बनेगा तो उनकी पोजिशन तीन टाइप की मैंने बताया था, तीन तरह के पोजिशन हो सकते हैं, या तो दोनों ही लाइन क्या होगा, या तो पहला वाला लाइन दूसरे को काटते हुए गुजरेगा, मान लो L1 और L2 मैंने कुछ बनाया तो एक लाइन दूसरे को काटते हुए गुजरा, कुछ ऐसा बन सकता है दोनों लाइन। ऐसा भी हो सकता है कि पहला लाइन और दूसरा लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल चला जाए, समांतर चला जाए, ये मैंने आपको बताया था, समांतर का साइन ऐसा लगा दे रहा हूं। और तीसरा चीज ऐसा भी हो सकता है कि सर पहला लाइन बनाया और इसी के ऊपर दूसरा वाला लाइन चला जाए, ठीक है, इसी के ऊपर दूसरा वाला लाइन चला जाए, जस्ट इसी के ऊपर, ठीक है। तो इन तीनों का कुछ कुछ नाम लिख देते हैं, आप यहाँ पर आपको पता है, पहले केस में हम इसको कहते हैं सर प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है, एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है, प्रतिच्छेदी यानी इंटरसेक्टिंग रेखाएं, ठीक है। दूसरे केस में आप बोलोगे सर यहाँ पर समांतर रेखाएं हैं, दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, समांतर रेखाएं। और तीसरे वाले को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, संपाती रेखा यानी कोइंसिडेंट, ठीक है। ये तीन केस है हमारे पास, प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती। अब यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि अगर कभी भी आपका लाइन इंटरसेक्टिंग है, प्रतिच्छेदी है, तो प्रतिच्छेदी रेखा एक बिंदु पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये समझिएगा, यहाँ से आप रिलेट कर रहे हो सारी चीजों को, प्रतिच्छेदी रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आपको सर इन युग्म का, मैं एक समीकरण की बात नहीं कर रहा, मैं समीकरण युग्म की बात कर रहा हूँ, समीकरण युग्म के एक हल होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप क्या कहते हो सर, इसका एक हल होगा, और एक हल होने का मतलब, इसका एक और नाम बताया था अद्वितीय हल, ठीक है, ये सारी चीज याद रखेगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब एक ही हल होगा। समांतर रेखा में आप बोलोगे सर यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो दोनों लाइन पर स्थित है, तो इसमें बोलेंगे सर कोई भी हल नहीं होगा इसका। तो सेकंड वाले केस में हम क्या कहते हैं, सर इसका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, मतलब युग्म का कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, ठीक है। और थर्ड वाले केस में आप क्या बोलोगे सर, इसके अनगिनत हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, अपरिमित हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनगिनत हल होंगे, अनंत हल होंगे, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। तो और क्या पढ़ा, जब भी किसी युग्म का हल होता है तो उसको हम संगत कहते हैं, ठीक है, सारी चीज आपको याद होना चाहिए। अगर किसी युग्म का हल है, चाहे एक हो या अनेक हल हो, उसको हम संगत कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर पहले वाले केस में हम इसको लिखेंगे सर संगत युग्म है, ठीक है, इसको हम लिखेंगे युग्म जो होगा वो संगत होगा, ठीक है। तीसरे वाले केस को देखिए, तीसरे वाले केस में भी आप कह रहे हो ना हल अनेक, नहीं दूसरे, तीसरे केस की बात करो, थर्ड वाला संपाती वाला, यहाँ भी हल है,
आपको सर हल है ना, तो ये भी संगत होगा। और इस संगत का कोई स्पेशल नाम भी बताया था क्या, कैसा संगत? आश्रित संगत, आश्रित संगत, यानी डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ठीक है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट यूज किया था, संगत होगा लेकिन आश्रित वाला। और सेकंड वाला केस में देखिए, यहाँ पर कोई भी हल नहीं है, तो आपको सर इसमें क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे सर असंगत, ठीक है, इसी को कहते हैं असंगत। असंगत। तो असंगत युग में कोई भी हल नहीं होता, ठीक है, संगत में हल होते हैं, या तो एक हल होंगे या फिर अनेक हल होंगे। तो इतना पढ़ लिया हम, इतना चीज ध्यान दिया। इसके बाद गुणांकों की तुलना जब किया था, तो गुणांकों की तुलना करके भी हम ये चीज बता सकते थे कि प्रतिच्छेदी रेखा होगा, समांतर होगा, संपाती होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपको पता है जो समीकरण हमने लिखा है ये वाला, इसमें गुणांक है A1 A2 B1 B2 और C1 बटा C2। A1 बटा A2 B1 बटा B2 और C1 बटा C2 निकालते थे और उसको देखते थे बराबर है कि नहीं है। तो मैंने यहाँ पर कंडीशन आपको बताया था, ये कंडीशन भी नोट डाउन करिए। प्रतिच्छेदी रेखा होने के लिए कंडीशन क्या होता है, या एक हल होने के लिए कोई चीज, देखो रिलेट करके याद रखिए, या तो प्रतिच्छेदी या फिर एक हल या द्वितीय हल, ठीक है। इसमें आप बोलोगे सर कंडीशन क्या होता है, A1 बटा A2 जो होगा वो B1 बटा B2 के बराबर नहीं होगा। अभी एग्जाम्पल से करेंगे ये सारी चीज, ठीक है। A1 बटा A2 जो होगा B1 बटा B2 के बराबर नहीं होगा। समांतर रेखा में क्या होता है, कोई हल नहीं, इसका मतलब A1 बटा A2 जो आएगा वो B1 बटा B2 के तो बराबर आएगा, लेकिन C1 बटा C2 के बराबर नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखो, मैंने ऐसे बताया था कि एक बार बराबर का साइन आए, एक बार बराबर का साइन नहीं आए। तो आप कहोगे सर एक बार आप कह रहे हो बराबर का साइन, एक बार कह रहे हो बराबर का साइन नहीं, तो इसमें कोई हल नहीं होगा, ठीक है, समांतर रेखा हो जाएगा। तीसरा कंडीशन में आप बोलोगे सर अनेक हल के लिए A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर होना चाहिए और ये C1 बटा C2 के बराबर, सभी अगर बराबर आ जाए तो ये अनेक हल होंगे, संगत आश्रित संगत हो जाएगा और संपाती रेखा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको अगले स्लाइड पर मिल जाएगी लिखी हुई। तो इस पेज की आप स्क्रीनशॉट लिए चाहे नहीं लिए, इस पेज की आप स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, ये मैंने क्लास में ही पढ़ा रखा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या बताया, अगर कभी हमने कंपेयर किया और A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं आया, तो लाइन प्रतिच्छेदी बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा और केवल एक हल होगा, और साथ में लिख लेना संगत हल होंगे, ठीक है। सेकंड आप ये ध्यान रखिए, अगर तीनों ही बराबर आ गए आपस में तो ये संपाती रेखा बन जाता है, कोइंसिडेंट एक के ऊपर एक, और अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, ठीक है, अनेकों हल होंगे, इसके अनगिनत हल होंगे। और फाइनली लास्ट, अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर आया लेकिन वो C1 बटा C2 के बराबर नहीं है, तो समांतर रेखाएं हो जाते हैं, कोई हल नहीं होगा और इसको असंगत कहेंगे, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन हमें याद होना चाहिए, क्लियर है? तो ये याद है, अभी इसको यूज करके क्वेश्चन करें। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, आपके लिए ये क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ, आपके बुक का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 8x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। अब देखो एग्जाम में आपसे पूछा सकता है कि संगत है कि असंगत है, लाइन कैसा बनेगा, लाइन कैसा बनेगा, या फिर कंडीशन क्या है, सारी चीज लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैं सारा चीज पूछ ले रहा हूँ, ठीक है, रिविजन कर लीजिएगा। इसको देखकर आप क्या क्या चीज लिखोगे, संपाति बोला ना, ठीक है, देखते हैं क्या होगा। पहले वाले लाइन को जब देखा हमने, इक्वेशन वन को, तो यहां से देखिए A1 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू आप बोलोगे 9, ठीक है, x का गुणांक 9। B1 का वैल्यू कितना है सर, 3 यहां पर दिख रहा है मुझे, 3। C1 का वैल्यू कांस्टेंट यानी 12, ठीक है, तो यहां से C1 का वैल्यू आप बोलोगे सर 12, A1 B1 C1 लिख दिया। अब A2 B2 C2 लिखिए, यहां से आप देखोगे सर A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू आपका 18 है, यहां दिख रहा है। B2 का वैल्यू कितना है आपका, B2 का वैल्यू आप बोलोगे सर 6 है, इसी तरह लिखिएगा एक के ऊपर एक, ठीक है, आसान रहेगा आपके लिए। C2 का वैल्यू क्या होगा, C2 का वैल्यू आप बोलते हैं 24, यहाँ पर 24, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंपेयर करते हैं, A1 बटा A2 निकालते हैं। A1 बटा A2 निकाल लेंगे, आपको पता था 9/18, और 9/18 करने पर 1/2 मिल जाएगा, ठीक है, 1/2 मिल गया। उसके बाद बताइए, अगर मैं B1 बटा B2 निकालू, B1 बटा B2 क्या मिलेगा, 1/2, 1/2 यानी 3/6, 3/6 कहने का मतलब 1/2 आएगा, देखो B1 बटा B2 का वैल्यू पुट कर दिया बस। और फाइनली अगर मैं C1 बटा C2 निकालू, 7/2, 12/24, ठीक है, और 12/24 से 12 × 2 = 24 होता है, तो 1/2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आप बोलोगे सर A1 बटा A2 जो आया वो B1 बटा B2 के बराबर आया और वो C1 बटा C2 के बराबर आया, ठीक है, C1 बटा C2, तो तीनों ही आपस में बराबर आ गए। अब तीनों अगर आपस में बराबर है तो इसका मतलब क्या हो गया, तीसरा वाला कंडीशन। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर तीनों ही बराबर आ गया, पहला जो कंक्लूजन निकल रहा है कि सर ये
अनेक हल होंगे, ठीक है, अनेक या अपरिमित हल होंगे, मैं लिख दे रहा हूं इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। क्या क्या चीज आप बोल सकते हो? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, तीनों बराबर आ गया। आप ये भी बोल सकते हो सर इसके जो लाइन बनेंगे वो संपाती लाइन बनेंगे, ठीक है, संपाती बनेंगे, संपाती संपाती है। और तीसरा चीज ये बोल सकते हो सर लाइन संगत है कि असंगत है, ये बताओगे मुझे? हल है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो आप कहोगे सर हल है तो इसका मतलब संगत होगा, ठीक है, असंगत होगा और ये आश्रित होगा, ठीक है, आश्रित होगा। नहीं, असंगत कैसे होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है, यहाँ पर आप लिख दो अनेक हल होंगे, ठीक है, और हल है तो संगत है, ठीक है, संपाती है। और कुछ बताया था क्या इसमें? लाइन कैसे बना, संपाती बता दिया, संगत बता दिया, और हाँ जी बताइए सर, सर उसमें तो समांतर हुआ थी, समांतर रेखाएं। अच्छा तीनों बराबर, यहाँ पर मैंने क्या बोला, समांतर रेखा में क्या था, देखो समांतर रेखा में यहाँ पर कंडीशन समपाती रेखा ही था सर। लिखा नहीं क्या आपने कॉपी में, लिखा या नहीं लिखा, बोलो समीर। फिर कैसे समझ में आएगा, लिखिए कॉपी में इसको आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं लिया, स्क्रीनशॉट लिया? ले लिया सर। चलो ठीक है, इसको लिख के और रिवीजन कीजिएगा, ठीक है, और पुराना वीडियो भी देखिएगा, यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तीसरा कंडीशन था यहाँ पर बोलोगे सर संपाती लाइन बनेगा, संगत अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो इसको कहेंगे सर संगत है, ठीक है, सिंपल। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए, ये बताओ, ये क्वेश्चन बताओ इसका क्या आंसर आएगा, संगत है या असंगत है, लाइन कैसे बनेगी? देखिए संगत या असंगत लाइन कैसे बनेंगे, वही चीज करना है, A1 A2 B2 A1 B1 C1 A2 B2 C2 इतना लिखिए। सर संगत होगी, संगत होगा और आश्रित होगी, आश्रित होगा, ये वाला, ये भी संपाति है क्या, ये संपाति नहीं आना चाहिए सर, ये असंगत होंगी, पैरेलल आएंगे, असंगत है। चलो इसको मैं देख रहा हूँ, ठीक है, क्या सर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या A1 का वैल्यू क्या है, A1 का वैल्यू यहाँ पर 6 है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, A1 B1 में लिख रहा हूँ जल्दी जल्दी। B1 का वैल्यू क्या है, -3, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। C1 का वैल्यू यहाँ पर 10 है, ठीक है, A1 B1 C1 लिख दिया। A2 B2 C2 लिखिए, वैल्यू 2, B2 का वैल्यू यहाँ पर -1 समांतर, ठीक है, C2 का वैल्यू आपको सर यहाँ पर 9, ठीक है, A1 B1 C1 लिख लिया, A2 B2 C2 लिख लिया। अब यहां से आप निकालिए A1 बटा A2 निकालोगे, आपको पता था 6/2 आएगा, और 6/2 कहने का मतलब 3 आ गया, ठीक। B1 बटा B2 निकालते हैं, B1 बटा B2 जब निकालेंगे तो मिलेगा -3/-1, और माइनस से माइनस कट जाएगा तो मिलेगा सर यहाँ पर भी 3, मतलब A1 बटा A2 B1 बटा B2 के तो बराबर आ गया, ठीक है। अब हम C1 बटा C2 निकालते हैं, C1 बटा C2 मुझे दिख रहा है ये तो 3 नहीं आएगा, ये अलग आ गया, मतलब यहाँ पर दिख गया। एक बार आप कह रहे हो A1 बटा A2 जो है सर B1 बटा B2 के बराबर है, और एक बार कह रहे हो बराबर नहीं है, तो सबसे बेस्ट तरीका मैंने ये बताया था याद करने के लिए कि एक बार आपने बोला बराबर, एक बार बोला बराबर नहीं, तो इसका मतलब आप बोलोगे सर ये गलत बात है, आप कहोगे सर यहाँ पर कोई हल नहीं होगा इसका, ठीक है, कोई हल नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और कोई हल नहीं होने का मतलब आप कह दोगे सर ये असंगत है, ऐसे रिलेक्ट करके देखिए, कोई हल नहीं होगा तो असंगत है, अब जो भी एग्जाम में पूछ ले आपसे, और असंगत है और कोई हल नहीं है, इसका मतलब कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेगा, प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो समांतर लाइन बन जाएगा, ठीक है, समांतर रेखाएं होंगी इसकी, ठीक है, समांतर रेखा बनेगी। तो जो भी आपसे एग्जाम में पूछेगा वो कर दीजिएगा, क्लियर, इतना समझ में आया? यस सर। और एक कंडीशन और है, मान लो अगर कभी ऐसा आ जाता है कि मैं रिकॉल करवा दे रहा हूँ, A1 बटा A2 निकाला और B1 बटा B2 निकाला, आपको दिख गया कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है, जब पहले ही बराबर नहीं आ गया तो आपको सर यहाँ पर एक हल होगा और ये भी संगत होगा और इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगी, क्लियर, कंडीशन समझ में आ गया? तो कंडीशन सर एक बार बताना, आप क्या बता रहे थे? चलो ये मैं फिर से क्वेश्चन से ही कर देता हूँ। चलो मान लो अगर मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे लिखता हूँ कि x+3y+8=0, ठीक है,
और यहां मैंने लिख दिया 2x माइनस का 6y प्लस का 9 या प्लस का 16 लिख देता हूं, प्लस का 16 बराबर जीरो, कुछ ऐसा लिख दिया। ठीक, अब मैं पूछ रहा हूं कि ये लाइन कैसे बनेगी, फिर से वही क्वेश्चन, संगत होगा कि असंगत होगा, लाइन कैसा बनेगा, प्रतिच्छेदी होगा या क्या होगा। ठीक है, तो आप यहां पर से देखिए a1 b1 c1 का वैल्यू, यहां से आपको मिल जाएगा सर a1 का वैल्यू 1, ठीक है, x का गुणा, b1 का वैल्यू 3 और c1 का वैल्यू यहां से मिल जाएगा मुझे 8। ठीक, दूसरे वाले में देखा तो a2 का वैल्यू यहां से मिल जाएगा 2, b2 का वैल्यू आपको मिल जाएगा माइनस का 6 और c2 का वैल्यू मुझे मिल जाएगा 16। ठीक है, ऐसे मिल गया। अब यहां से जब a1 बटा a2 निकालेंगे क्या आ रहा है, आप लोग बताओगे मुझे, 1/2 मिल रहा है क्या? यस सर, अरे 1/(-2)। नाइस, तो ये b1/b2 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, b1 है 3 और ये है माइनस का 6, तो मिलेगा सर ये 1/2, 1/-, देखो ये माइनस रहेगा, ये गलती मत करना, ये 3 से कटेगा दो बार में, तो यहां मिलेगा 1/-2। ठीक है, अब ये दोनों बराबर है क्या बताओ, ये इक्वल है कि नहीं है? नो सर, नहीं इक्वल नहीं है, तो आपको सर दोनों बराबर नहीं है, माइनस साइन का अंतर है। अब c1/c2 निकालने की कोई नीड नहीं है, आप मत निकालिए, यहीं पर आप बोलोगे क्योंकि a1/a2 जो आया वो b1/b2 के बराबर नहीं आया। ठीक है, ये बराबर नहीं है क्योंकि एक 1/2 है, एक -1/2 है, तो यहां से आप कह सकते हो सर यहां पर हम सीधे बोलेंगे एक हल होगा अगर एक हल ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपको लिखा रहेगा अद्वितीय हल। ठीक है, अद्वितीय हल कहने का मतलब यूनिक सॉल्यूशन, एक ही हल होता है। ठीक है, और इसमें आपका लाइन जो है एक जगह पर प्रतिच्छेद करेगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा, आपको सर प्रतिच्छेदी रेखा बनेगा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनेंगे और प्रतिच्छेदी बनेगा, एक हल होगा इसका मतलब संगत होगा। ठीक है, एक हल है ना, एक हल तो संगत बनेगा। क्लियर, इतना कंक्लूजन समझ में आ गया, तीनों टाइप के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएंगे, एक नंबर का आ सकता है, दो नंबर का आ सकता है या फिर तीन नंबर का आ सकता है। ठीक है, चलिए, सर आज तो सब जब भी समझ में आ गया, आ गया ना, ठीक है, समझ में आ जाएगा, कोई भी इशू नहीं होगा। अब देखो इसके बाद हम लोग सोल्यूशन करने के लिए सीखे थे कि सोल्यूशन कैसे करते हैं। सोल्यूशन करने का दो तरीका होता था हमारे पास, एक आप बोलोगे सर हमारे पास मेथड था प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन कहने का मतलब सब्स्टिट्यूशन। अब देखो अभी तक जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए ना उसमें बोला नहीं जाता है कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए या फिर इलिमिनेशन या विलोपन विधि से सॉल्व करिए, जैसे भी आपको सही लगे, जो भी आपको बेटर लगता हो उससे सॉल्व करिए। दूसरा विलोपन यानी इलिमिनेशन। अब इन दोनों में अंतर क्या है, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मैं क्वेश्चन से ही करवा देता हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसके लिए मैं सीधे एनसीईआरटी का ही आपका बुक लेता हूं और बुक में चैप्टर है आपका, एक्सरसाइज है आपका, एक सेकंड, 3.2, ये तो प्रेजेंट, हाँ ठीक है, 3.2 में आपको मिल जाएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या है हमारा, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में ले रहा हूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का 3। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ले रहा है। 1 का 3 में थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूज करोगे, एग्जाम में आता नहीं है आपका, तो ये क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ऐसे 1 का 3 ठीक क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में आने के चांस कम है। ठीक है, 1 का 3 जो है, देखिएगा यहां पर कुछ क्वेश्चन ऐसा है। अब इसको चाहो तो आप इलिमिनेशन से कर सकते हो, प्रतिस्थापन से कर दो, चाहे आप विलोपन से कर दो, किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, कोई भी फिक्स नहीं है। करते कैसे, पहले मैं प्रतिस्थापन से कर रहा हूं। ठीक है, प्रतिस्थापन में क्या होता है, किसी एक चर का मान निकालकर दूसरे में पुट कर देता है। ठीक है, सबसे पहले आप बोलोगे सर इस वाले को हमने इक्वेशन नंबर 1 माना। ठीक है, इस वाले को इक्वेशन नंबर 1 माना, समीकरण 1 माना, इस वाले को हमने समीकरण नंबर 2 माना। समीकरण 1 को अगर देखे तो समीकरण 1 से हम क्या कर सकते हैं, लिखने का तरीका देखेगा तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। समीकरण 1 लिखा क्या गया है सर, x+y = 14। यहां से आप लिख सकते हो क्या सर, हम यहां से बोल सकते हैं x का जो मान होगा वो 14-y होगा, बताइए, या फिर y का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, x का वैल्यू 14-y आ गया। हाँ बिल्कुल, रूट वाला क्या लिख रहे हो, रूट वाला, हाँ रूट वाला करेंगे, इसके बाद रूट वाला ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, x+y = 14 है तो x का मान कितना आ जाएगा, 14-y। ठीक है,
अब x का मान 14 माइनस वाई हम वापस से समीकरण नंबर दो में पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि समीकरण एक से वैल्यू आया, अब एक में मत पुट करना, गलती ही करते कुछ बच्चे कि इसी में पुट कर देते हैं, इसमें नहीं पुट करेंगे, समीकरण एक से तो वैल्यू निकाला है, अब दो में पुट करेंगे, ठीक है। तो आपको होगा सर समीकरण दो से, समीकरण दो क्या लिख रखा है, समीकरण दो से, समीकरण दो में क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस वाई बराबर चार, एक्स का मान 14 माइनस वाई पुट करिए, तो यहाँ पर लिख दोगे 14 माइनस वाई बराबर चार, यहाँ से मिलेगा 14 माइनस टू वाई बराबर चार, यानी माइनस का 2y जो मिलेगा 4 माइनस 14, ये 14 उधर गया माइनस हो गया, तो यहाँ से मिलेगा सर माइनस 2y का वैल्यू, 4 में से 14 कटाओगे। हाँ जी बताओ सर, समीकरण दो से सर यहाँ से समझाना, समीकरण दो से मुझे बताओ x का वैल्यू यहाँ इतना समझ में आया, x का मान 14 माइनस वाई, ये सर आ गया यहाँ तक, समीकरण नंबर दो क्या लिखा हुआ है, x माइनस वाई बराबर चार इतना लिखा हुआ है ना, ठीक है। अब x का जो मान है, x का जो मान है 14 माइनस वाई, यहाँ पर पुट कर दो, x के जगह पर रख दो बस, ठीक है, x के जगह पर 14 माइनस वाई लिख दो, ठीक है, यहाँ लिखेंगे 14 माइनस वाई, और ये वाला माइनस वाई तो है ही, माइनस वाई बराबर चार। अब ये 14 का 14 है, माइनस वाई कितना होता है समीर सर, प्लस वाई, प्लस वाई नहीं होगा, नहीं, माइनस वन कितना होगा सर, टू, देखो ठीक है, आप थोड़ा सा सही कर रहे हो, थोड़ा सा गलत कर रहे हो, देखो दोनों अगर नेगेटिव है, सेम साइन के हैं, तो इसको जोड़ेंगे, ये सही है, आप लोग जोड़ते हो, आप वन वन जोड़ करके टू बोलेंगे, लेकिन जोड़ घटाओ में माइनस माइनस प्लस नहीं होता है, जोड़ घटाओ में अगर दो नेगेटिव नंबर है तो आंसर भी नेगेटिव ही आता है, बड़ा वाला का आता है साइन, इसमें तो कोई बड़ा नहीं है, तो हम कहेंगे सर यहाँ माइनस टू ही आएगा, ठीक है, तो कहेंगे सर यहाँ पर माइनस का टू वाई आएगा, प्लस का टू वाई नहीं आएगा, ठीक है, माइनस का टू वाई बराबर चार, क्लियर है अभी, माइनस माइनस प्लस गुना में मिलता है, ठीक है, दो माइनस को गुना करके आप प्लस बोलते हो, जोड़ घटाओ में नहीं, ठीक है, तो यहाँ से आपका मिलेगा 14 माइनस टू वाई अगर 4 के बराबर है तो माइनस का 2y कितना मिलेगा, माइनस का 2y बराबर 4 माइनस 14, ठीक है, 4 माइनस 14 और माइनस का 2y, 4 में से 14 घटाएंगे, माइनस का 10 मिलेगा, माइनस का 10 मिला, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो गया, और माइनस से माइनस अगर कैंसिल हो गया तो आ जाएगी 10, 2 कैसे आएगा, 10 बटा 2 कितना आएगा, 5 आ जाएगा, 5 आएगा, y का वैल्यू 5 आ गया, y का वैल्यू 5 आ गया, तो y का वैल्यू x में पुट कर दीजिए इस वाले समीकरण में, ठीक है, तो यहाँ से बोलेगा सर x का वैल्यू कितना था, 14 माइनस वाई, x का वैल्यू आ जाएगा 14 माइनस 5, और 14 माइनस 5 करने पर कितना आएगा, 9 आ गया, x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5, हमारा आंसर आ गया, क्लियर, x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5, लास्ट में लिख देना x का वैल्यू 9 y का वैल्यू 5, आंसर आ गया, ठीक है, ये दोनों ही समीकरण को संतुष्ट करेगा। यह प्रतिस्थापन विधि था, हमने क्या किया, प्रतिस्थापित किया ना, y का वैल्यू निकाल, x का वैल्यू निकाल और x का वैल्यू पुट कर दिया y में, ठीक है, अब चाहो y का वैल्यू निकाल कर x पुट कर देते, ठीक है, आ जाता है। अब मैं इसी क्वेश्चन को विलोपन विधि से कर रहा हूँ, ठीक है, विलोपन विधि से कर रहा हूँ इसी वाले क्वेश्चन को, ठीक है, आप दोनों से मत करिएगा एग्जाम में, किसी एक मेथड से करिएगा, ठीक है, चलो इसको मिटा दे रहा हूँ और इसके बाद फिर रूट वाला क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन है हमारे पास यही वाला सेम क्वेश्चन, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 14, अगर ये क्वेश्चन मुझे मिलता ना तो मैं विलोपन से करता एग्जाम में, ठीक है, क्यों विलोपन से करता, क्योंकि मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर प्लस का वाई है माइनस का वाई है, अगर मैं इन दोनों समीकरण को जोड़ दूं, ठीक है, सेम साइन, अगर अपोजिट साइन के होते हैं तो आपको सर इसको जोड़ दीजिएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो सिंपली आप कहोगे सर इन दोनों समीकरण को आप जोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप रीजन भूल गए हो तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर y प्लस का है और यहाँ y माइनस का है, साइन अलग अलग है और उनका गुणांक सेम है, तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, जोड़ देते हो समीकरणों को, इन दोनों को आप अगर योग करोगे या जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा सर, x से x और x ऐड हो जाएगा तो x प्लस x आपका 2x मिल जाएगा, और यहाँ पर y माइनस वाई है, ठीक है, इसको जब जोड़िएगा y माइनस वाई मिलेगा और y से y कैंसिल होकर के 0 मिल जाएगा, ठीक है, तो y से y हमारा कैंसिल हो जाता है बराबर, अच्छा मैं इसको लिख ही देता हूँ, चलो इसको मैं पूरा लिख देता हूँ, x में x को जोड़ा, ठीक है, बराबर 14 में 4 को जोड़ा, 14 और 4 को जोड़ा तो 14 प्लस 4 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, समीकरण को जोड़ने का मतलब ऐसा ही होगा, x प्लस x 2x मिलेगा, 14 प्लस 4 18 मिलेगा, x का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा सर 18 बटा 2, देखो ज्यादा आसानी से आ गया हमारा, x का वैल्यू बहुत जल्दी आ गया, ठीक है, x का वैल्यू 9 जो पिछले बार भी आया था, अब x का वैल्यू जो 9 आया है, या तो समीकरण एक में पुट करिए चाहे समीकरण दो में पुट करिए, किसी में भी आप पुट कर सकते हो, तो मैं पुट कर रहा हूं समीकरण नंबर एक में, ठीक है, अब समीकरण एक से, समीकरण एक से एक्स प्लस वाई कितना है हमारा 14, एक्स का मान 9 पुट करिए
9 प्लस वाई बराबर 14, तो यहां से y का वैल्यू आ जाएगा 14 माइनस 9 यानी 5, वही वाला आंसर आया। x का वैल्यू 14, y का वैल्यू 9, x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5, सेम आंसर आया। तो ये क्या था हमारा विलोपन विधि, हमने एक चर को विलुप्त कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्लियर। तो आपको एग्जाम में अगर yes, आपको इसमें अच्छा लगा उससे आप कर लीजिएगा, कोई नंबर नहीं कटेगा, बोला नहीं जाएगा कि इस वाले मेथड से करिए, ठीक है।